रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 3 लोगों से लिया 150 रुपया जुर्माना। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 3 लोगों से 150 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि थाना क्षेत्र में रोजाना मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें और घर से निकलें तो मास्क अवश्य पहन लें। सोहरा गांव में गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष 10 अगस्त को सोहरा गांव में गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी जवाहर सिंह के पुत्र अजय सिंह को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा पीएचसी में हुआ कोरोना जांच, 129 लोगों का रैपिड एंटीजन और 57 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर। रंगरा पीएचसी में हुए कोरोना जांच में 129 लोगों का रैपिड एंटीजन और 57 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है। रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि रैपिड एंटीजन किट से किए गए 129 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि आरटीपीसीआर किए 57 लोगों का जांच सैंपल लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद आना है। भवानीपुर गांव में चाय की दुकान पर हुए गोलीबारी मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रंगरा के भवानीपुर गांव में एक चाय की दुकान पर हुए विवाद में भवानीपुर के गौतम कुमार को गोली मारने वाले आरोपी सोहरा निवासी सौरभ कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि बुधवार को सुबह 8 बजे भवानीपुर गांव के पास एक चाय दुकान पर चाय पीने के क्रम में गौतम और सौरभ के बीच विवाद होने और उसके बाद सौरभ द्वारा गौतम को गोली मार देने का मामला सामने आया था। गोली गौतम के बाएं जांघ में लगी थी। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद छापेमारी कर आरोपी सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।